हम क्या करें। कोई एक तो जीते। कहीं म्यूजिक बोलेगा तो अभी है ना, मतलब वो बच्चे सब है ना वैसे ही खेल रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया। वो सीरियसली चीज़ नहीं था, वैसे ही मजाक में मैंने बना लिया था। तो चलिए, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये अभी सुबह का टाइम हो गया है और मैंने ना ये सैंडविच बनाया था। तो ये ऐसे चाय के साथ ही खाने के लिए लाए थे, तो चाय के साथ किसी ने नहीं खाया तो ये खा लिए थे, लेकिन हम लोग ने नहीं खाया था। तो हम लोग ने अपना सैंडविच बना लिया इस तरीके से, सॉस वगैरह लगा के। फिर इसके बाद ना, फिर मैं एकदम सीधे दो मतलब 4 बजे के टाइम मिल रही हूँ आपसे। तो इस समय क्या है ना, मुझे कहीं जाना है, तो मैं अभी जल्दी से सिर्फ दाल ही बना लूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह हो रहा है। इसीलिए मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर, मतलब बहुत खांसी हो रही है और बीच बीच में खांसी इतना होता है ना कि क्या बताऊँ, उल्टी भी हो जाती है खांसी की वजह से। तो यहाँ पे ना मैं दाल बना रही थी, तो दाल को ना पहले मैंने अच्छे से भून लिया है। जब इसकी सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना, तो बस उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल के अच्छे से धो लिया है। फिर उसके बाद दूसरे में बर्तन में पलट दिया था और इसमें पानी डाल के मैंने छोड़ दिया है। और उसके बाद ना, ये शाम का ही टाइम हो रहा है, मतलब 4:30 बजे का। तो यहाँ पे ना जो सुबह का जो पूजा हुआ था ना, तो मंदिर वगैरह में जो फूल वगैरह चढ़ता है ना, तो वो सब मैं क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना, तो वापस आऊँगी तभी पूजा वगैरह करूँगी। तो पहले मैं ये सब क्लीन करके ही जाती हूँ जाऊँगी, क्योंकि फिर आके ना मुझे मतलब थोड़ा सा वो भूल भी जाती हूँ या थकावट भी हो जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए, ये सब फूल जो है ना माला में, इनके कपड़े में, सब में चिपक जाते हैं गर्मी की वजह से। सारे फूल में ना चिपचिपा, जैसे देखिए पूरा चिपचिपा जैसा हो जा रहा है। तो ये मतलब गर्मी की वजह से हो रहा है। अभी यही ठंड या बरसात का मौसम होता ना, तो उसमें इस तरह नहीं होता है। तो वहाँ पे मैंने मंदिर को साफ़ करके सारे फूल को नीचे उतार दिया। और यहाँ पे दाल भी देखिए उबल चुका है और उसमें एक उबाल आ चुकी है, तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है। और जो ऊपर का जो झाग होता है ना, उसे मैंने निकाल दिया है। तो ये मूंग का दाल है, कुकर में अगर बनाओ ना तो फटाफट से बन जाएगा, एक ही सीटी में बन जाएगा। तो मैं इसे इस तरह नहीं बना के इसी में बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये मूँग की महीन वाली दाल है, तो बहुत फटाफट से बन जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर ना मैं प्याज वगैरह कट कर लिया था, और ये लहसुन है और हरी मिर्च, इसे अच्छे से कट कर लेंगे महीन महीन। और इसका पहले मैं एक छौंका लगा लूँगी, बाद में मतलब जब ये अच्छे से फ्राई कर लूँगी ना, तो घी ऊपर से डाल देंगे हम रात के खाने के टाइम। तो अभी देखिए, मैं ऐसे ही छौंका लगा लूँगी। तो हरी मिर्च और लहसुन का मैंने तड़का लगा दिया है, और जब ये थोड़े से सुनहरे भून जाएंगे ना, तब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, जो छोटे छोटे काट के मैंने रखे हुए हैं। तो मुझे फटाफट से बना रही हूँ। और इस टाइम इतना गर्मी होता है ना इस घर में कि क्या बताऊँ, इसमें मतलब रुकना ना बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो उसके बाद मैंने हींग डालना भूल गई थी, तो फिर मैं इस टाइम पे हींग डाल दिया मैंने। और उसके बाद देखिए, ये प्याज डाल दिया है। तो प्याज को पहले थोड़ा सा, प्याज को भी थोड़ा सा भून लेंगे। और उसके बाद देखिए, एक टमाटर था तो मैंने कट करके वो भी डाल दिया साथ साथ में। तो ये दोनों साथ साथ में ही भून जाएंगे, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना। तो उसके बाद ये दाल का पानी ना थोड़ा कम हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा और पानी डाल दिया है। तो वो गर्म करके ही रखा हुआ था, वो ठंडा पानी नहीं था, तो मैं अभी गर्म पानी ही पी रही हूँ ना। तो वही एक टोपिया मैं खोला के रख लिया था सुबह के टाइम में, तो वही पानी था। और अभी भी ना मतलब वो हल्का हल्का गर्म ही था, तो बस मैं अभी गर्म पानी ही पीती हूँ। और वही पानी बच गया था, तो वही दाल में मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि फिर से जब रात में जब मैं रोटियाँ बनाऊँगी ना, तो फिर से मैं मतलब एक टोपिया कर लूँगी अपने लिए। तो उसे मैं शाम से लेके रात तक मेरा हो जाएगा पानी। तो यहाँ पे ये स्टील वाला जो घोटनी है ना, उसी से मैं दाल को घोट ले रही हूँ। तो ये देखिए, हो चुका है मेरा दाल। और ये जो फ्राई किया था ना मैंने प्याज वगैरह का तड़का, तो ये भी हो चुका है। तो ये इसमें पलट दूँगी, तो ये मेरा हो जाएगा दाल। तो इस आज बहुत सिंपल खाना बनाया मैंने, सिर्फ दाल और रोटी बस।
और कभी कभी क्या है ना सिंपली ठीक रहता है। और अभी देखिए उसके बाद मैं सीधे अभी 1 घंटे बाद मिल रही हूँ, तो अभी सब वो सब हो गया था तो मैं अभी यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। तो मुझे ना अभी शॉपिंग पे जाना है, करवा चौथ आने वाला है ना, तो उसी के शॉपिंग के लिए मुझे जाना है। तो यहाँ पे ना मैं आ गई हूँ, बिछिया का बिछिया देख रही हूँ यहाँ पे। तो ये ना बिछिया मुझे चढ़ाने के लिए चाहिए था, तो इसलिए मैं, चांदी का तो है मेरे पास लेकिन वो जो चढ़ाने का होता है ना, तो ये हम लोग रोल गोल का ही ले लेते हैं, ये तो चढ़ाते हैं ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैं एक बिछिया पसंद किया है, और उसके बाद मैं चूड़ियाँ देख रही हूँ। तो मुझे जो जो पसंद आएगा ना तो मैं वही ले लेती हूँ, कुछ अपने लिए भी लेती हूँ और कुछ चढ़ा, जो चढ़ता तो मेरा सभी है, तो ये चढ़ा के कुछ मैं अपने लिए रख लेती हूँ, जब कभी किसी मौके पे ऐसे पहनना हो ना, तो बस वही इसीलिए ले लिया है मैंने। और कुछ चूड़ियाँ ले लूँगी, लूज चूड़ियाँ जो जो मतलब जो सबको बांटने होते हैं ना, तो वही, तो एक तरफ मैं वो भी ले लूँगी। तो ये देखिए ये गुच्छे वाला है ना, इसमें से मैं ले लूँगी, तो ये मैं मतलब सबको बांट देती हूँ चढ़ा के, तो बस। और उसके बाद वो जो श्रृंगार का जो और भी सामान है ना, तो वो सब मैंने एक ही करके पसंद कर लिया था और सारे ले लिए थे। और उसके बाद हम लोग ना थोड़ा सा पार्क में जाएंगे, तो इस पार्क में मैं पहले भी आ चुकी हूँ, अभी दुर्गा पूजा के टाइम पे भी मैं आई थी, तो उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से ना बहुत वो था। तो उसके बाद मैं सीधे अभी अपने घर आ गई हूँ, और यहाँ पे दिया बत्ती वगैरह कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी देखिए बहुत ज़्यादा रात हो गई है, करीब ज़्यादा रात नहीं हुआ, मतलब 6-6:30 बजा होगा, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है, ऐसे लग रहा है ना कि रात के 8 या 9 बज गए। लेकिन तो थोड़ा सामान लाने करवा चौथ है ना, उसी का शॉपिंग गई थी थोड़ा सा, तो अभी पूजा शाम का दिया वाती वगैरह कर लिया मैंने। और ये देखिए अभी अभी 1 महीने तक तुलसी माता है ना, तो वहाँ पे मुझे दिया जलाना है पूरे 1 महीना। और यहाँ पे भी मैंने कर लिया है पूजा, और इतना मतलब गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाल पूरे एकदम चिपक गए गर्मी से, पसीना से, अभी बाजार होके आई और इतना ज़्यादा गर्मी है, मार्केट में तो नहीं लग रहा था लेकिन घर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ तो ये है ना जो ऊपर छत, ये इससे तो और गर्मी लगती है, ठंड ठंडा तब होता है जब बारिश होती है, वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्म। और मैंने खाना में अभी दाल ही बनाया है, सिर्फ दाल बना के गई थी, और अभी रोटी बनाना है, पूजा कर लिया है और अभी रोटी सिर्फ सेकना है बस, तो दाल मैंने बना के गई थी मैं। सिर्फ रोटियाँ ही बनानी है, और खांसी इतना है ना गर्मी की वजह से, पता नहीं क्या है, खांसी बहुत ज़्यादा, आंसू निकल आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।